नमस्कार। आज स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करने वाली कंपनी का, जो कंपनी बेसिकली गेमिंग और हॉस्पिटलिटी में कामकाज करती नजर आती है। इस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। और देखने में ये इसकी वेबसाइट देखो तो छोटा सा वेबसाइट छोटा सा दिखता है, लेकिन इसके जो जो बिजनेस मॉडल है इसमें गेमिंग्स के अंदर जो कहते हैं एम्यूजमेंट्स वगैरह जब एडवेंचर्स वाली चीज़ होती है वो चीज़ काम करती नजर आती है, जिसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे मार्केट किस हिसाब से इसके पीछे। और गेमिंग के साथ देखें, कंपनी के ग्रुप्स की बात देखें तो सबसे पहले गेमिंग की तरफ देखते हैं, तो गेमिंग में क्या क्या नजर आते हैं इनके पास। गेमिंग में देखने को आता है हर तरह की गेम निकल के आती है यहाँ पे। गेमिंग्स बिजनेस कैसिनो कहती है, गेम्स इन द ऑनलाइन स्किल्स गेमिंग्स आपने फोटो गैलरी वगैरह इनके पास अवेलेबल है इनकी वेबसाइट्स पे। दूसरी तरफ हॉस्पिटलिटी वाले इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया तो दिया जाए तो उनके पास निकल के आती है डेल्टिन शूट्स निकल के आती है। दूसरा ओवरव्यू द डेल्टिन्स निकल के आती है। तीसरी इनके दो तीन हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के नाम निकल के आती है। इसके बाद इसके ग्रुप्स की बात करें तो द ग्रुप्स के अंदर क्या निकल के आती है, तो कहती है ग्रुप्स में इनके पास आती है कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इज द फ्लैगशिप कंपनी, और ये कब बनी थी, 1990 में कंपनी बनी थी। उसके बाद इनके पास जो परफॉर्मेंस लेवल इबीटा वगैरह है वो एज ऑन डेट नहीं है, 2020 तक का डेटा यहाँ पे अपडेटेड है। वेबसाइट्स लगता है अपडेटेड नहीं किया इन्होंने शायद। इसके बाद गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में कामकाज करती नजर आती है। फिर इसमें देखने को आती है कि गोवा के अंदर क्या है इनके पास, गोवा के अंदर इनके पास शायद हॉस्पिटली अर्थात होटल्स वगैरह होंगे। द डेटा कॉर्प ऑन एंड ऑपरेट्स थ्री ऑफ श्योर्स कैसिनो इन द गोवा आउट ऑफ टोटल ऑफ द सिक्स ऑफ श्योर्स कैसिनो जो कि है जो कि लाइसेंस इसमें तीन जो है गोवा के अंदर कामकाज करती नजर आती है। साथ में इनके पास और भी स्टेट में देखने को आते हैं जहाँ पे सिक्किम की बात करती है, सिक्किम दमन एंड एंड ऑनलाइन हॉस्पिटलिटी की तरफ कामकाज करती निकल निकल के आती है। इसमें कुछ ऐसे नाम्स निकल के आते हैं गोवा और दमन के अंदर इनकी बिजनेस कारोबार चलती है। इसी कंपनी के बारे में देखो, इस कंपनी का रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए हिस्टोरिकल माइलस्टोन की बात करती है कंपनी, लेकिन इसके माइलस्टोन के अंदर अपडेटेड डेटा नहीं फिल किया गया है जो कि 2020 21 18 से 21 के बाद 21 से अभी 24 चल रहा है, 24 तक का कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं बनती। अर्थात ये 2021 तक का पुराना डेटा निकल किया था। ये कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा इसको स्टॉक मार्केट की तरफ, और स्टॉक मार्केट में क्या निकल के आती है। बुक वैल्यू निकल के आती है 94 रुपये के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है 132 रुपये के आसपास। करंट रेशियो की बात करें तो 3.55 निकल के आती है। इंडस्ट्रीज के पी की बात करें तो इंडस्ट्री के पी निकल के आती है करीब 17 के आसपास। उस परफॉर्मेंस के बेस पे इसका स्टॉक का भी पी उसी आसपास निकलती नजर आती है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के बाद में पता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करते हैं करंट प्राइस तो निकलती है मार्केट कैप। डेट्स इक्विटी रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, डेट्स इक्विटी रेशियो में केवल 0.02% के आसपास निकल के आती है। इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो 90 के आसपास निकल के आती है, जो कि बुक वैल्यू से कम की वैल्यूशन में आती है। अब चलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की तरफ, देखा है तो 1.45 अर्थात 1.5x मान लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग ऑनली 33% की होल्डिंग है, 66% की होल्डिंग जो है वो आम पब्लिक के लिए है, आम रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए है या अदर के लिए, प्रमोटर के अलावा लोगों के लिए है जो पब्लिक के लिए है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड एक छोटा सा पार्ट है लेकिन फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की फेस वैल्यू। आरओसी की बात करें तो करीब 18 के 11 के आसपास, आरओसीई की बात करें तो 8.74 के आसपास निकल के आती है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर की प्लेजिंग थी वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसके लिए आगे, और आगे समझते हैं इस कंपनी के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन के साथ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जहाँ पर हम बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साथ में स्टॉक मार्केट एक लर्निंग के तौर पर कामकाज करते नजर आते हैं, जहाँ पर हम डेली वीडियो को आपके सामने उस न्यू लर्निंग के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ लेके आते हैं जो कि एक कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है। चलते हैं आगे, और इस कंपनी के बारे में डेटा भी जगह 132 के आसपास 3% गिरावट के साथ देखने को मिला। 52 वीक की हाई की बात करें तो 258 69 तक गया था, लो की बात करें तो 104 तक है।
अर्थात 104 रुपये से लेकर यदि 250 रुपये, अर्थात सीधा सीधा देखा है तो बुक बुक वैल्यू और हमने जो वहाँ देखा था 2.25x के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं जिसको इंडस्ट्री अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर, जो कि रिक्रिएशन के आज कामकाज करती है, BSE 500 इंडस्ट्रीज में कामकाज करती नजर आती है। एक साल की चार्ट को हम ओवर व्यू के तौर पे देखें तो क्या निकल के आती है, यहाँ पे निकल के आती है बार बार अपनी जो स्ट्रेटजी है बिजनेस का, बिजनेस की नहीं कह सकते, इसका जो मार्केट की है स्टॉक मार्केट में, इसका बार बार चेंज हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी जो थी इसके लगातार 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 गिरती जा रही है। फिलहाल देखिए मैं इसको एवरेज प्राइस के आसपास लेके आया हूँ और एवरेज के प्राइस के आसपास ये इस जो वैल्यूशंस हैं इसकी, ये वाले जिसको कह सकते हैं हम प्राइसिंग के तौर पे नियरली 154-155 के आसपास, 150-150 से ऊपर की वैल्यू जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस सस्टेन कर नहीं पा रहा है। लगातार यही इनमें गिरावट जो माहौल था वो बनती नज़र आ गई थी और यहाँ से थोड़ा सा हल्का जंप करता नज़र आता है। और इसके आसपास यदि आई स्टॉक, मैं कह सकता हूँ इसके आसपास यदि ये ब्रेकआउट करती नज़र आती है तो फिर यहाँ से स्टॉक एक अच्छी सी दौड़ती नज़र आएगी। फिलहाल यहाँ से एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज करती नज़र आती है। 1 महीने के चार्ट इसका अच्छा खासा बुलिश है, उसके 3 महीने के चार्ट देखें तो 3 महीने के चार्ट भी इसका ट्रेंडिंग ये दर्शा रहा है, जो स्टॉक ने एक अच्छी सी जंप के तगार पे नज़र आती है। यहाँ से हम कंपेयर करके देखें तो 1 साल 1 महीने की चार्ट में शायद अच्छी खासी बुलिश देखने नज़र आती है। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसके बारे में क्या कहती है कंपनी का लेटेस्ट अपडेट। और कहती है कंपनी का लेटेस्ट अपडेट, जून का कोई अपडेट यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखता। इससे पहले कंपनी ने एक एक्विजिशंस किया था, एक्विजिशंस की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद रीस्ट्रक्चर किया था, रीस्ट्रक्चर के बाद कंप्लायंस फाइल किया था। तो दो बातें हम सामने रखते हैं, एक तो एक्विजिशंस के बाद, दूसरा रखते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। सबसे पहले चले हम एक्विजिशन की तरफ, एक्विजिशन वाले तरफ में चलते हैं और क्या कहती है जो कहती है इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पे किया है उन्होंने, वो एक डेटा निकल के आती है। और डेटा निकलेगा तो किसका निकलेगा, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का निकलेगा। इसके क्रम की बात करते हैं, कंपनी ने कहा जो हमने डेल्टा कॉर्प कंपनी द मीटिंग किया था 8 मई को, मई की अपडेटेड था, उसमें कहा था इंटरिंग इन तो स्ट्रेटजिक पार्टनर विद द अल्फा अल्टरनेटिव फंड एडवाइजर्स LLP एंड एफिलेट्स, उनके एफिलेट्स हैं उनके साथ स्ट्रेटजी प्राइवेट लिमिटेड एंड द फंड मैनेज्ड बाय अल्फा अल्टरनेटिव फंड मैनेज करते हैं LLP द रिफर टू द डबल ए ग्रुप्स अल्फा एंड अल्फा अल्टरनेटिव पेरिंडा लैंड्स लिमिटेड टू एस्टेब्लिश रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म RE प्लेटफॉर्म बनाती है। और इसके बाद इसमें क्या कहती है, एग्रीगेटर ऑफ द अप टू 765 करोड़ रुपये का रेजिडेंशियल रीडेवलपमेंट इन द मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन्स में इनका एक कामकाज चालू हुआ। और ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें स्टॉक की बात करते हैं तो कहती है डबल ए ग्रुप्स में PLL एंड द कंपनी पर्पस टू कंट्रीब्यूट द PE प्लेटफॉर्म अप टू द एग्रीगेट ऑफ द 450 करोड़, 58% जो होल्डिंग है इसकी वो किसके पास होने वाली है, इसके पास, एंड द 225 करोड़ 29% इज टोटल 90 करोड़ के आसपास, इसमें 11% रिस्पेक्टिवली इन द प्लेटफॉर्म्स एंड एज पर द वेन रिक्वायर्ड, और जब रिक्वायर्ड होगी तो हम इसमें लगाएंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल की आती है। डेल्टा कॉर्प ने अपनी इंफॉर्मेशन दिया था जो हम ये काम करने वाले हैं। अब फिलहाल एक कंपनी में एक्विजिशन की बात करते नजर आते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में कुछ और अपडेट। तो कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया है तो कॉर्पोरेट एक्शन कितना का था, 1 रुपया 25 पैसा का। 1 रुपया 25 पैसा उतना बड़ा नहीं है, वैल्यूशंस नहीं निकल के आती है, छोटा सा निकल के आती है इसका प्राइस की वजह से। इसको देखा जाए वो भी 23 का डेटा था। अब आते हैं रिजल्ट को पार्ट को हाईलाइट लेते हुए, रिजल्ट के पार्ट में हाईलाइट क्यों लेते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ ध्यान दें। इसमें गिरावट देखने को मिली, इसमें प्रॉफिट डबल के आसपास इंक्रीज करते नजर आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी नजर आई डबल, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 3 गुना हो गई। अब एक चीज देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2 टाइम्स और ये होती है कितना,
नियरली 2.5x के आसपास। चलिए आगे कंसोलिडेट डेटा की तरफ ध्यान दें, उसमें क्या निकल के आती है। कंसोलिडेट डेटा कहती है इसके लिए जो हमारी मार्च तक की डेटा है, वो डेटा में जो हमारा पहले का पे रेट का था 211 करोड़ के आसपास, उसको तो हम टच नहीं किए, यहाँ पे 195 पे अटक गए। अर्थात क्वार्टरली बाय इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इस पे रेट को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इससे पहले कर चुका है लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल यदि हम पूरे साल का डेटा को देखो तो अच्छा खासा नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% के आसपास, जो कि पहले एवरेज देखेंगे तो करीब इसका 25% से ज़्यादा का नज़र आता है, क्योंकि तो नेगेटिव भी 37% के आसपास और 86%, 35%, 27% के आसपास की नज़र आती है इसमें। आगे क्या कहती है इसके बारे में, नेट प्रॉफिट को देखें, नेट प्रॉफिट कहती है हमारे पास 72 करोड़ का है, इससे पहले 72 करोड़ कभी हुआ है? यस हुआ है, नियर 71 करोड़। इसका मतलब ये टॉप पे कामकाज तो कर रही है नेट प्रॉफिट, लेकिन इससे पहले भी ये वैल्यूशन आ चुकी थी। अब चलते हैं हम क्वार्टरली के बाद ईयरली बेसिस में। ईयरली बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो 925 करोड़ के आसपास, और इससे तो डबल है, इससे कहा जा सकता है जिससे 2013 से तो 2x हो चुका है, लेकिन इससे पहले वाले ईयर से कंपेयर 2023 से नहीं कर पाता है और इससे भी नहीं कर पाता। अर्थात उनके बिजनेस में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, और यहाँ पे काफ़ी डाउन साइड था क्योंकि कोविड का असर और उसके बाद की जो इशू थी, ये कभी 21 में आई थी, 20-21 के बाद, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कम हुआ था। उसके बाद रिकवरी करते करते फिर 2023 में अच्छा खासा रिकवरी किया और 24 में थोड़ा सा कम रहा। नेट प्रॉफिट को देखो तो नेट प्रॉफिट में निकल के आता 245 करोड़ के आसपास, जो कि इससे 50 करोड़ से कई लगता है करीब करीब 5 गुना के आसपास जंप कर चुका है यहाँ से वहाँ तक। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा स्वार्थ को लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स में देखने को आती है। जो कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ था वो एवरेज है था, बहुत बड़ा तो नहीं था। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज निकल के आती है, 1 साल में अच्छा निकल के आती है, यहाँ पे 3 साल में। स्टॉक प्राइस CAGR के साथ देखा है तो यहाँ पे डाउन शेयर देखने को मिला है और यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात जो चार की फैक्टर यहाँ पे देखने को आते हैं, उस चार हिस्टोरिकल की फैक्टर में ज़्यादातर जो की फैक्टर है उसको सपोर्ट नहीं करती नज़र आती है फंडामेंटल के बेसिस पे। अब आते हैं इसका, यदि इस तरह के काम है तो इनके पास डेटर्स नहीं होना चाहिए, इनके डेटर की तादाद को देख लें एक नज़र, तो डेटर की तादाद में निकल के आती है दस करोड़ के आसपास, और 10 करोड़ में इनके परमानेंट जो पैसा आता है वो पैसा आता है 4 दिन, 4 दिन में। तो 4 दिन में यदि पैसा आता है तो इनके जो टोटल सेल्स था वो सेल्स कितना था, 925 करोड़ के आसपास, और टोटल डेटर कितना पड़ा था, 925 के ऊपर से देखा जाए तो करीब कितना था, केवल 10 करोड़ के आसपास। अर्थात नियरली 1% के आसपास भी इनका फंसा होता है, बाकी सारा इनका कैश लिक्विड इंस्टेंटली रिकवर होता है। ये इनके लिए इस बिजनेस में अच्छा चीज निकल के आता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने एक पार्ट को जाना था जहाँ पे 33% ही होल्डिंग प्रमोटर के पास था, रेस्ट होल्डिंग किसके पास था, वो था आम पब्लिक के लिए। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी उसमें से अंजलि मोड़ी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड करती आती है, आदिति मोड़ी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड आती है, आरती पंडित नवजर आती है फैमिली। इसके बाद FI की तरफ देखें तो FI ने अपने पोजीशन को थोड़ा सा बिल्डअप किया है, नियरली थोड़ा सा बढ़ा है, और किसी पेरेड में देखा जाए तो FI की पोजीशन बिकवाली भी हुई है। FI ने यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन लिया था फिर उन्होंने बिकवाली कर दिया। DI की तरफ ध्यान दिया तो DI की ने पोजीशन अच्छी खासी थी, वहाँ बिकवाली कर दिया। और ये जो बिकवाली किया इसका पोजीशन गया कहाँ, इसकी पोजीशन 3% कहाँ पटकी, ये पटकी पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास जैसे आप पटकेंगे कहने के लिए, तो पटकेंगे तो क्या होगा, मार्केट में उनको भागने का मौका मिलेगा, और वो यही चीज़ हुआ। यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर भी कामकाज करते नज़र आए थे, जिसमें राकेश झुनझुनवाला के आसपास ये निकल के आती है, झुनझुनवाला
राकेश राधेश्याम जुनरवाला और ये इनकी रेखा जुनरवाला का कभी किसी पीरियड में पोजीशन था, एक महावीर अग्रवाल इनके पास पोजीशन थी, लेकिन ये फिलहाल इस तरह की पोजीशन देखने को कुछ नहीं निकल के आती, तो ये सबके ब्लैंक चलते आते हैं। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में अभी फिलहाल देखने को ये मिल रही है जो ये एवरेज वैल्यू जो है इसको लगातार जिस वैल्यू के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाने का सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है, इसके हिसाब से यदि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया था उसी हिसाब से थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड चला गया, और यहाँ पे जाके स्थिरता बनी है। अस्थिरता बनने का मतलब यहाँ भी अस्थिरता थोड़ी पीरियड के लिए बना था, उसके बाद थोड़ी सी उछाल लिया था मार्केट में, इस हिसाब से यदि यहाँ से थोड़ा सा भी उछाल लेता है तो मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा और जा सकता है, और मार्केट तभी धीरे धीरे चढ़ने वाली है और चढ़ती रहती है। तो हमने एज पर द एज ऑन डेट के हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो निकल के आती है 10 साल में कुछ है नहीं, स्टॉक की ओवरऑल पोर्टफोलियो में जिनके पास होगा वो पोर्टफोलियो में एक तरह से अभी भी गिरावट होगी, या उन्होंने बिकवाली करके निकल गए होंगे, अभी उस पुराने पोजिशन वाले तो लगता है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जब बिकवाली किया होगा, जब इन्होंने बिकवाली किया होगा पीरियड की बात करें तो जून जून 22 के हिसाब से देखा जाए, तो जून 22 में देखा जाए तो इन्होंने बिकवाली किया, तो इसलिए मार्केट में 25% 18% की गिरावट आई, और गिरावट के बाद मार्केट रिकवर कर नहीं पाया उस लेवल पे, और फिलहाल थोड़ी से पीरियड में यहाँ पे एक टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छी सी जंप देखने को मिलती जा रही है स्टॉक में। दोस्तों आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।